दोस्तों हमारे एक लर्नर ने अभी कमेंट करके पूछा है कि अगला जो सीटेट होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पल्लवी सिंह ने पूछा है। तो आप में से कई लोगों की ये क्वेरी होगी, तो क्योंकि अभी जो सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 में हुआ है और ये ऑनलाइन हुआ है और अलग अलग डेट्स में हुआ है और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन होगा आगे या ऑफलाइन। देखिए, इससे पहले तक, दिसंबर से पहले तक जो 2021 में हुआ है, एग्जाम्स ऑफलाइन होते थे और उसको ऑनलाइन में चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये कोई एक बार के लिए अपडेट नहीं किया गया है, इसको कंप्लीटली अब ऑनलाइन के लिए ही अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। अभी के हिसाब से आगे जो है पेपर आपके ऑनलाइन ही होंगे और जो भी आपका अगला एग्जाम सीटेट का जब भी होगा तो ऐसे ही आपको स्लॉट्स बनेंगे, सेंटर्स होंगे। कई कारणों से हुआ है, कई कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो जो चेंज होते हैं उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो पहला तो ये है कि जितने पेपर्स वगैरह की बचत होती है, जो भी प्रोटोकॉल्स होता है एग्जाम्स लेने का, तो सीटेट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और बच्चों के लिए कई बार रिलेवेंट भी होता है चीजें। और पहली बात तो ये देखिए, जितनी भी गलतियां होती थी, एक बार OMR भर दिया तो अपडेट नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें अब आपको यहां पर मौका मिलता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी इनको जो अपना सिस्टम है वो सिस्टम बेटर काम करता है, तो नियम के हिसाब से अभी आपको अब ऑनलाइन ही होगी। और भी एक चीज है कि जो डिजिटल अब वर्ल्ड चल रहा है, इसमें हर चीजों को डिजिटलाइज करने की कोशिश हो रही है, तो जो चीजें एक बार डिजिटल हो गई, जैसे कि अभी ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई, तो अब आपको लगता है कि ये बंद होगी? कभी बंद नहीं होगी, ऑनलाइन स्टडी चलते रहेगी, आगे भी चलते रहेगी। हो सकता है कि धीरे धीरे हर चीजें मतलब आपके लिए कितना सुलभ हो जाए, तो इसलिए जहां तक मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है कि अब ये जो है एग्जाम्स आपके ऑनलाइन ही होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी आपका जो है सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ है और सीटेट वाले जो अभी एग्जाम लिए हैं उस पर विश्लेषण कर रहे हैं, तो इन विश्लेषण के बाद अगर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट निकल कर आता है, देखिए ऑफलाइन में कई बार क्वेश्चंस के चोरी होने के या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस रहते थे, तो अगर ऐसा कोई फॉल्ट नजर आता है, क्योंकि अब ऑनलाइन में ये सब चीजें सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो अगर कोई फॉल्ट नजर आएगा तभी एक्सट्रीम केस में इसको ऑफलाइन किया जाएगा, नहीं तो आप 99% मान के चलिए कि अब ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। ऐसे कोई परेशानी होगी या ऐसा कुछ, क्योंकि अब कमिटी, जब बार आपको रिजल्ट निकल गया, सर्टिफिकेट आ जाएगा डिजी लॉकर में, फिर उसके बाद आपको चीजें जो है सिस्टमेटिकली आपको ये एक बार उनका मीटिंग होगा, एनालिसिस होगा, तो अगर कुछ ऐसा दिखेगा कि बहुत बड़ा फॉल्ट था तो ऑफलाइन होगी, या बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे तो ऑफलाइन होगी, नहीं तो 99% केस में जैसा कि अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है और जो भी पॉइंट मैंने अभी तक बोला है उन सब को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स आपकी आगे ऑनलाइन ही होगी। इनफैक्ट जितने भी बाकी सारे एग्जाम्स जो अभी भी आपके ऑफलाइन हो रहे हैं वो भी आपके ऑनलाइन ही धीरे धीरे कर दिए जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेली पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारे साथ क्लास भी कर रहे हैं। अनअकैडमी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर डेली मेरे दिन के 10 बजे क्लास आती है, वो आप लोग देख रहे होंगे, और जो भी हमारे बुक्स हैं इत्यादि फ्री नोट्स हैं सब कुछ आप देख रहे होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ की लिंक दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं वीडियो में। कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। बाय बाय, जय हिंद।